हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको लेके जा रही हूँ सूरज कुंभ मेला, जो हर साल फरीदाबाद में होता है। इस मेले में आपको देश विदेश के बहुत ही सुंदर सुंदर आर्ट एंड क्राफ्ट आपको दिखने को मिलेंगे। ये बहुत ह्यूज वे से होता है एंड डेकोरेशन वाइज भी बहुत ही सुंदर है। इस साल का थीम था हिमाचल प्रदेश, तो आपको हिमाचल की वो सुंदर सुंदर डेकोरेशन एंड कल्चर दिखने को मिलेगा। अब चलते हैं डेकोर की तरफ, जिसके लिए स्पेशली मैं इस मेले में आती हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर डेकोर की चीज़ें मिलेंगी, मिट्टी के सामान मिलेंगे और ह्यूज वैरायटी में सिरेमिक की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे कलेक्शन बहुत ही अच्छा था एंड अगर बार्गेनिंग की बात की जाए तो वो आपके ऊपर है, आप कितना बार्गेन कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से यहाँ बार्गेनिंग का स्कोप बहुत ही कम होता है, बट वैरायटी में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के भी कारपेट दिखने को मिलेंगे, जो बहुत ही सुंदर एंड अट्रैक्टिव है। इस मेले में आपको वुडन के बहुत सुंदर सुंदर टॉयज दिखने को मिलेंगे। ये टॉयज को आप अपने गार्डन या बालकनी में भी सजा सकते हैं। इस मेले में सहारनपुर से आए हुए ये वुडन की चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगी। बहुत ही क्वकी होम डेकोर की चीज़ें मिल रही थी एंड वैरायटी भी काफ़ी ह्यूज था। प्राइजेस 50, 100, 200 के थे, जिसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर वैरायटीज़ एंड अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल रही थी। मैंने भी यहाँ से कुछ शॉपिंग की है। अगर आपको जानना है कि मैंने क्या क्या लिया है एंड क्या प्राइजेस में लिया है, उसके लिए आपको सिर्फ 2 दिन वेट करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगी वो वीडियो को जल्द से जल्द पोस्ट कर पाऊँ। यहाँ पे आपको हैंडलूम की भी चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। इस तरह के टेबल रनर भी मिल रहे थे, बेडशीट्स वगैरह के भी अच्छे कलेक्शंस थे एंड प्राइसेस भी अफोर्डेबल था। इस मेले में आपको इंडिया के हर कल्चर एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें दिखने को मिलेगी। वो उड़ीसा का पोटोचित्र क्यों ना हो, या फिर ये मधुबनी पेंटिंग्स जो ये आंटी बैठ के बना रही थी। बहुत ही सुंदर एंड हैंडमेड की चीज़ें। बहुत ही अच्छा लगा ये सब कल्चर को एक साथ देखना। यहाँ पे आपको वुडन की चीज़ें भी दिखने को मिलेगी,
जो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा दिखती है। कितना सुंदर वे से ये कार्विंग हुआ है। और यहाँ का फूड आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हमने यहाँ पे राजस्थानी थाली मंगवाया था जो बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पे गार्डन डेकोर की चीज़ें भी बहुत ही सुंदर वैरायटी में मिल रही थी। कितना कलरफुल और कितना अट्रैक्टिव, मन कर रहा था कि सारा ही ले जाऊं। जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टॉल्स भी होता है, उसे एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही सुंदर वैरायटीज एंड कल्चर दिखने को मिलेगी। स्पेशली ये टर्की की लाइट्स मुझे हर साल बहुत अट्रैक्ट करती है, बट प्राइसेस के हिसाब से थोड़ा सा हाई होता है तो मैं कभी ले नहीं पाती हूँ, बट दिखने में बहुत ही सुंदर है। ये मेला बहुत ही ह्यूज है, आप चल चल के थक जाएंगे, बट वो स्टॉल आपको तभी भी अट्रैक्ट करते ही रहेंगे। तो मेक श्योर आप कंफर्टेबल शूज एंड क्लॉथ्स पहने हैं एंड साथ में एक ह्यूज बैग कैरी किए हैं ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। आई होप आज का ये वीडियो आपको बूस्ट किया होगा एक बार जाके ये मेला घूम के आने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।